जिसका विवेक कमजोर हो, बुद्धि कमजोर हो, महाराज एकांत में रहना पसंद करते हो, बोलना पसंद नहीं, हंसना पसंद नहीं, किसी में मिलना पसंद नहीं, एकांत का वासा ही ज्यादा पसंद हो। कई कई बहुए कहके बेटे ऐसे होते हैं जिनको अपने अपना स्वाता है, दूसरे से परिवार में किसी से मतलब ही नहीं रह पाता, किसी से अच्छे से बोलते नहीं, कमरे में गए अकेले बैठ गए, पति आया उससे बात कर लिए, अपनों से बात कर लिए, बाकी किसी से बोलना ही चलना नहीं। तो उसके लिए भी गन्ने का जो रस होता है महाराज, गन्ने का जो रस होता है उस रस में सफेद तिल्ली को पीस कर जो व्यक्ति का स्वभाव अपने को सुधारना है, सब में मिलनसार करना है, तो शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर उस जल को चढ़ा दिया जाता है, उस रस को समर्पित करा जाता है। ये केवल प्रदोष के दिन होता है, और रविवार का अगर प्रदोष पड़ जाए तो ज्यादा फलदायी होता है। ये केवल प्रदोष के पाए ही ये त्रिपुरा सुंदरी के ही नाम से होंगे।